हेलो एवरीवन, नॉलेज की दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ सेशंस में हमने एक्सेल के बहुत सारे फंक्शंस को देखा। मैंने एक्सेल के मास्टर क्लास भी आपको दिए थे 24 फंक्शंस के। उम्मीद है वो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समिफ फंक्शन। ओके, तो समिफ बेसिकली होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है एक्सेल में और किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट एरियाज में, वो हम सीखेंगे। तो बेसिकली समिफ फंक्शन इट मींस कि ये दो फंक्शन का कोलैबोरेशन है। ओके, दो फंक्शन मींस कि फर्स्ट वन इज सम। हम लोग जैसा कि सम फंक्शन पढ़े थे कि किसी भी रेंज को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, ओके, तो हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। देन इफ होता है लॉजिकल फंक्शन। इफ मुझे कंडीशन बेस्ड कुछ कंपैरिजन बेस्ड रिजल्ट चाहिए लॉजिकल बेसिस पे, लाइक इफ सेल्स ग्रेटर देन 50,000 देन यस, इफ सेल्स लेस देन 50,000 देन नो। तो लाइकवाइज अगर आपको रिजल्ट चाहिए होता है तो हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। देन सम इफ मींस कि सम और इफ को कंबाइन कर दिए। तो सम का बेसिकली यूज होता है ऐड करने के लिए, इफ का यूज होता है कंडीशन देने के लिए। ओके, सो सम इफ का हम यूज करेंगे कंडीशन के बेसिस पे ऐड करने के लिए। इट मींस कि आप डायरेक्ट हर एक नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, आप उसी नंबर को ऐड करेंगे जो आपके कंडीशंस में फिट होता है। इट मींस ऐड द सेल स्पेसिफाई बाय द गिवन कंडीशन। तो समिफ बेसिकली काम क्या करेगा कि आपके उसी सेल को ऐड करेगा जो आपके कंडीशन से मैच करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सेल्स डेटा लिया है। ओके, सपोज मुझे मैंने बोला कि आप ये बताओ मुझे कि कलकत्ता ब्रांच में कितने अमाउंट का सेलिंग हुआ है। तो कलकत्ता ब्रांच यहां से लेके यहां तक। ओके, देन मुझे इन सभी अमाउंट को ऐड करना होगा तो मुझे पता चलेगा कि टोटल कलकत्ता में कितना सेलिंग हुआ है। देन अगर मैं कटक की बात करूं तो कटक में कितना सेलिंग हुआ है, मुझे इनको ऐड करना होगा। देन सिमिलर मैं दार्जिलिंग की बात करूं तो मुझे इनको ऐड करना होगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ लिस्ट दे दिया गया है, सपोज मान लीजिए 50 ब्रांचेज है हमारी या 10 ब्रांचेज सपोज लेते हैं, तो 10 ब्रांचेज का मुझे टोटल चाहिए और मेरे पास 5,000 रिकॉर्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है, उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको फिल्टर करके फाइंड आउट करो, फिर उसको दूसरे प्लेस पे पेस्ट करो कॉपी करके, देन आप टोटल फाइंड करेंगे सम से, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और टाइम प्रोसेसिंग हो जाता है। तो सम इफ आपका काम को बहुत ही आसान, बहुत ही इजी वे में आपको कैलकुलेट करके आपको सिंपल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सिंपली मैं फाइंड करके आपको बताता हूँ ब्रांचेस के टोटल। ओके, देन मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लूंगा, ब्रांच लूंगा। तो मेरे पास तीन ब्रांच है, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ ब्रांच। ओके, तो मेरे पास एक तो ब्रांच है कलकत्ता, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देन मेरे पास एक ब्रांच है कटक, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देन मेरे पास एक ब्रांच है दार्जिलिंग, देन कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अगर सेम डेटा आपको लिखना है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। देन मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सेल्स, टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स, देन मुझे कलकत्ता का टोटल सेल्स फाइंड करना है। ओके, देन इक्वल टू दूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा सम इफ। ओके, ब्रैकेट ओपन करूंगा, देन सम इफ में आपको तीन डेटा फिल करना होता है। फर्स्ट डेटा इज योर रेंज, सेकंड डेटा इज योर क्राइटेरिया एंड थर्ड डेटा इज योर सम रेंज। ओके, सो व्हाट इज रेंज, रेंज मींस कि आपका जो कंडीशन है। तो मेरा कंडीशन यानी कि क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया क्या है तो कलकत्ता, मेरा क्राइटेरिया क्या है तो कटक, मेरा क्राइटेरिया है दार्जिलिंग। इट मींस कि आपका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया किस रेंज से बिलोंग करता है, उसका रेंज क्या है, उसको हम कहाँ पे फाइंड करेंगे, देन उस रेंज को आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। देन मैं कटक, कलकत्ता और दार्जिलिंग को कहाँ पे फाइंड करूँगा, तो मैं इस ब्रांच में फाइंड करूँगा उसको। देन रेंज क्या हो जाएगा, इस ब्रांच का रेंज हो जाएगा, यानी कि जो कंडीशन, जो क्राइटेरिया आपका जिस एरिया से बिलोंग करता है वो एरिया आपका रेंज होगा। ओके, देन कॉमा देंगे, देन क्राइटेरिया मींस कंडीशन, इस रेंज में आपकी कंडीशन क्या है, तो मेरी पहली कंडीशन है कलकत्ता, तो मैं कलकत्ता ले लिया, देन कॉमा दूंगा।
देन सम रेंज, अब आपको इस ब्रांच का टोटल कहाँ से मिलेगा? आपको प्राइस से मिलेगा, क्वांटिटी से मिलेगा, टोटल से मिलेगा? तो मुझे ऑब्वियसली टोटल से मिलेगा, तो मैं उस टोटल को सेलेक्ट करूँगा. ओके, देन थ्री एरिया मैंने फिल किया. पहला रेंज, रेंज मीन्स जो आपका कंडीशन है, जो आपका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको सॉरी वो क्राइटेरिया आपको किस रेंज से मिलेगा. तो मुझे इस ब्रांच के रेंज से मिलेगा, तो मैंने सबसे पहले ब्रांच के रेंज को सेलेक्ट किया, देन कॉमा दिया, देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीन्स की कंडीशन. तो कंडीशन मेरा क्या है सम करने के लिए, अभी कैलकटा, तो मैं कैलकटा को सिलेक्ट कर लिया. ओके, देन सम रेंज इट मीन्स कि आपका टोटल किस नंबर वैल्यू से कैलकुलेट होगा. तो मेरा नंबर वैल्यू का सेल रेंज जो है वो आपका टोटल है, तो मैं टोटल के रेंज को सिलेक्ट कर दिया, दैट इज योर सम रेंज. ओके, देन ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए. तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सेल्स वैल्यूज को फाइंड करके दे दिया. ओके, देन इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे. ओके, कि ये सही है या गलत है. चलिए पहले हम लोग फिर से निकालते हैं कटक के लिए. देन इक्वल टू दिया मैंने, सम इफ लिखूंगा मैं, ब्रैकेट ओपन करूंगा, देन रेंज, रेंज कैलकटा जहां से मिला था, कटक भी उसी रेंज से मिलेगा क्योंकि कटक भी इसी ब्रांच में होगा. तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, देन मैंने कॉमा दिया, देन क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, कंडीशन मेरा क्या है, तो कटक कंडीशन है, मैंने कटक को सेलेक्ट किया, देन कॉमा दूंगा, देन सम रेंज मीन्स आपका टोटल का रेंज, देन मैंने टोटल को रेंज को सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर. तो ये मेरा रेंज हो गया, तो उसके बेसिस पे मुझे रिजल्ट मिल गया. देन मैं दार्जिलिंग को सिलेक्ट करूंगा, देन इक्वल टू किया, सम इफ किया, ब्रैकेट ओपन किया, देन सिमिलरली मैं इस ब्रांच को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा कंडीशन का रेंज है वो, देन कॉमा देके क्राइटेरिया मीन्स मेरा कंडीशन क्या है, देन कॉमा देके सम का रेंज यानी कि आप कहां से टोटल फाइंड करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर. तो ये मेरा रिजल्ट हो गया दार्जिलिंग का. तो तीनों रिजल्ट मैंने मिला दिए और तो कोई ब्रांच अवेलेबल है नहीं. इट मींस कि ये सारे को अगर हम टोटल करेंगे और इनको अगर हम टोटल करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए. देन मैं इसको ऐड करता हूं, तो ऐड करने के लिए कंटिन्यूअस डेटा को मैंने बताया था कि ऑटो सम पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर अल्ट प्लस इक्वल टू शॉर्ट की होता है, अल्ट इक्वल टू करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा फंक्शन, देन आप एंटर कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो रिजल्ट इतना हुआ, फिर यहाँ पर भी मैं अल्ट इक्वल टू प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा. तो ये अमाउंट सेम है या नहीं, तो हम लोग ने एक फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम है एग्जैक्ट. एग्जैक्ट लगाएंगे हम, इस पर क्लिक करेंगे, देन कॉमा देंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे. ये मैं वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं दो जगह सेम वैल्यू होता है तो उसको चेक करना होता है कि वो वैल्यू सेम है या नहीं. तो आया ट्रू, इट मीन्स कि दोनों वैल्यू सेम है. इट मीन्स कि आपका जो सम फंक्शन से निकाला हुआ रिजल्ट है वो 100% करेक्ट है. ओके, तो इस तरह से हम सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वैल्यूज को इजी वे में फाइंड कर सके एज पर योर कंडीशन. सिमिलरली मैं दूसरे कंडीशंस को लेके बताता हूँ. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स है. ओके, देन देखिए सैमसंग जो ब्रांड है वो मल्टीपल टाइम्स सेल्स में आया. इट मीन्स 4 times हमने सेलिंग किया है सैमसंग ब्रांड को, डिफरेंट अमाउंट्स है आपके पास अवेलेबल. देन मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा सैमसंग को, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई भी डेटा कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसको कॉपी कर लें. ओके, अदरवाइज आप टाइप भी कर सकते हैं, नो मैटर. देन इक्वल टू दूंगा मैं यहाँ पे सम इफ सेलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट ओपन करूंगा. अब रेंज जो है वो आपका बदल जाएगा क्योंकि अब मेरा कंडीशन जो मेरा क्राइटेरिया है वो है सैमसंग. देन सैमसंग मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो सैमसंग मुझे मिलेगा इस ब्रांड की लिस्ट में, ना कि मुझे ब्रांच में सैमसंग कहीं पर अवेलेबल दिख रहा है. तो मैं रेंज में उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा जो मेरा क्राइटेरिया को शो कर रहा है. तो मेरा क्राइटेरिया को शो कर रहा है ब्रांड, देन मैं ब्रांड के रेंज को सेलेक्ट करूंगा. उसके बाद कॉमा मैं दूंगा, देन क्राइटेरिया मीन्स मेरा कंडीशन क्या है, तो मेरा कंडीशन सैमसंग है. देन कॉमा सम रेंज, तो सम रेंज ऑब्वियसली इसको सेलेक्ट करेंगे, कभी भी लास्ट अमाउंट को नहीं सेलेक्ट करना है. देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया. तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया 23,58,500. तो ये मेरा सैमसंग का टोटल हो गया. देन सिमिलरली मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा ब्रांच है, तो मैं सबको फटाफट कैलकुलेट करता हूँ. ये 3 है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. देन मेरे पास इंटेल है, मैं इसको भी ले लेता हूँ. देन मेरे पास जेब्रोनिक्स है, जेब्रोनिक्स लूँगा. देन एलजी है, मैं एलजी लूँगा. ओके, अब आपके पास तो यहाँ पे बहुत सारा
प्रोडक्ट अवेलेबल है, देन मैं सबको फिर से कैलकुलेट करने जाऊंगा, फार्मूला लगाऊंगा, फिर फार्मूला, फिर फार्मूला, तो मुझे करना क्या है? तो सेम डेटा कैलकुलेशन होगा, सिमिलरली इसी के जैसे, केवल मुझे चेंज क्या करना है, तो रेंज मुझे सेम देना है, मुझे ये भी रेंज सेम देना है। इट मीन्स कि जो पहला रेंज है प्रोडक्ट का और जो सम टोटल का रेंज है वो दोनों सिमिलर होगा हर एक कंडीशन के लिए, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ब्रांड की बात कर रहा हूँ। ओके, देन मुझे चेंज क्या करना है, तो मेरा कंडीशन चेंज हो रहा है, मेरा क्राइटेरिया चेंज हो रहा है कि सैमसंग के जगह लॉजिटेक होना चाहिए, देन HP होना चाहिए, देन डेल होना चाहिए, देन डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं करूँगा क्या कि मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा और इस रेंज को सिलेक्ट करके मैं F4 प्रेस करूँगा। ओके, जैसे यार आप F4 प्रेस करेंगे तो ये डॉलर साइन आ जाएगा, इट मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड सेल, एब्सोल्यूट सेल। ओके, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, देन अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करके मैं F4 प्रेस कर दूंगा, तो ये भी डॉलर साइन आ जाएगा, ये एब्सोल्यूट में चेंज हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, इट मीन्स कि जब आप उसको ड्रैग करेंगे, जब आप उसको नीचे ड्रैग करते हैं या राइट लेफ्ट किसी साइड में भी ड्रैग करते हैं, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, इट मीन्स कि उसका रेंज एज इट इज रहेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेल। ओके, सो मेरा चेंजेस क्या होगा, तो मेरा K13 चेंज होगा, जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो K13 से K14 होगा, K15 होगा, K16 होगा, तो वो ऑटोमेटिक इसको कंसिडर करते जाएगा और रिजल्ट शो करते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो रेंज चेंज होगा ना तो सम का रेंज चेंज होगा। ओके, डन। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एब्सोल्यूट और रेफरेंस क्या होता है। अभी आप इसको ये समझिए कि जब भी आप कोई डेटा रेंज को ड्रैग करते हैं और वो ड्रैग करने पे आपको सिमिलर चाहिए होता है, कैलकुलेशन उसी सेल से आपको करना होता है, तो आप F4 कीबोर्ड में फंक्शन की होता है जिसको आप प्रेस कर देंगे तो डॉलर सिंबल आ जाएगा, जिससे वो सेल ड्रैग करने पे चेंज नहीं होता है। ओके, जिस सेल के रेंज पे आपका ड्रैग करने पे चेंजेस हो रहा है, इट मीन्स आप उसको फिक्स नहीं किए, उसमें डॉलर साइन अवेलेबल नहीं है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं K13 जो ट्रैक करने पे चेंज हो जाएगा, जिसमें भी डॉलर साइन आप देखेंगे वो ट्रैक करने पे चेंज नहीं होगा, जिसको एब्सोल्यूट बोला जाता है। ओके, देन इंटर करेंगे। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ओके, जैसे मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पे रिजल्ट आ गया, देन मैं अल्ट इक्वल टू करके इसको शो करूंगा, अल्ट इक्वल टू किया तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया, ये दोनों रिजल्ट क्या है, सिमिलर रिजल्ट है। आपको चेक करना है 100% सिमिलर है या नहीं, देन आप उसको चेक भी कर सकते हैं। मेरे पास LG है और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन, देन सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, देन सेलेक्ट किया और एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर रिजल्ट आया फॉल्स, इट मीन्स कि या मैंने कुछ मिसिंग किया। ओके, सिंपल सा ऑप्शन है कि मैंने कुछ मिसिंग किया, इट मीन्स कि कोई ऐसा वैल्यू मैंने नहीं लिया है जो कि उस ब्रांच में अवेलेबल था। ओके, तो मैंने कौन सा वैल्यू नहीं लिया, मैंने लॉजिटेक लिया, HP लिया, सैमसंग लिया, मैंने सारा लिया लेकिन फ्रंटेक नहीं लिया, देन मैं फ्रंटेक को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, देन मैं इसको सिंपली ड्रैग करूंगा और अगेन मैं इसको चेक करूँगा, देन मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, देन इसको सिलेक्ट किया, कॉमा देके इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, देन अब वैल्यू है ट्रू। इट मीन्स कि आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे, सिमिलर डेटा अगर आपके पास दो जगह अवेलेबल है और आपको दोनों को मैच करना है कि दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट सेम है या नहीं है, तो आप हमेशा फंक्शन का यूज करिएगा एग्जैक्ट। ओके, आप मैनुअली उसको कभी भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअली में हो सके आप देखने में उसको मिस्टेक कर दें, क्योंकि फंक्शन हमेशा आपको करेक्ट रिजल्ट देगा। ओके, तो हमेशा फंक्शन के साथ ही जाए फुल वेरिफिकेशन, ताकि एरर ना हो और कोई भी एरर का चांस ना हो। ओके, सो ये था आपका सम फंक्शन, इसको मैं और दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। देन मेरे पास और एक एग्जाम्पल है, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक एम्प्लॉय डेटाबेस बना हुआ है। ओके, यहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट्स है, देन सैलरी है, हायर डेट है, ब्रांच, रीजन, बहुत सारे डेटाज अवेलेबल है। ओके, सो मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट वाइज है, मुझे उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डेटा का सैलरी का सम चाहिए कि मैंने किस डिपार्टमेंट में कितना सैलरी पे किया है। ओके, तो सिंपली मैं एक एक डिपार्टमेंट का निकालता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे एडमिन लिख दिया। ओके, देन मैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम इफ, देन मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा,
अब मेरा कंडीशन है एडमिन, इट मींस एडमिन कहाँ अवेलेबल है, तो एडमिन अवेलेबल है डिपार्टमेंट में, तो मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा, देन मैं कॉमा दूंगा, उसके बाद क्राइटेरिया मेरा क्या है, तो क्राइटेरिया मींस मेरा कंडीशन, तो मेरा कंडीशन है एडमिन, क्योंकि मुझे एडमिन का टोटल सैलरी फाइंड आउट करना है। ओके, देन मैं कॉमा दूंगा, उसके बाद मैं सैलरी सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा जो सम रेंज है, मेरा जो टोटल कैलकुलेट होगा वो इस सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, देन मैं इसको सिलेक्ट कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गया आपका 1,48,750। इट मींस मैंने एडमिन डिपार्टमेंट में 1,48,750 रुपीज सैलरी पे किया है। तो इस तरह से आप किसी भी इंडिविजुअल कंडीशंस के बेसिस पे एक डेटाबेस में से एक आपके पास जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स है, उस रिकॉर्ड से आप समिफ के बेसिस पे किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, किसी स्पेसिफाई कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सम को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम इफ। ओके, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इस फॉर्मेट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं अपने ब्लॉग पे से अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लें इमेज को, और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो नॉलेज की दुनिया हमारा YouTube चैनल आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे और इफेक्टिव वीडियोस बनाता रहेगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो हैप्पी लर्निंग।